और बड़ी खबर का रुख करेंगे। नोएडा में मकान की दीवार गिरने से हादसा, तो मलबे में दबने से एक की मौत, चार घायल, सभी को रेस्क्यू कर निकाला बाहर। तो पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, नोएडा के सेक्टर 63 थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, तो नोएडा में मकान की दीवार गिरने से हादसा हुआ है, पीड़ित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो ये तो नोएडा के सेक्टर 63 थाना इलाके का ये पूरा मामला आपको बता दें, निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा, पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी। और इस बार खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, नोएडा में मकान की दीवार गिरने से हादसा, मौके पर क्या स्थिति और घायलों की क्या कुछ हालत? देखिए, सेक्टर 63 के बहलूनपुर का ये मामला है। यहाँ पर एक इमारत बनी हुई थी, उस इमारत के बगल में खाली पड़े हुए प्लॉट में निर्माण कार्य किया जा रहा था और उसकी नींव खोदने के लिए मजदूरों को खुदाई के लिए लगाया गया था। लेकिन जिस वक्त खुदाई चल रही थी उसी वक्त बड़बड़ाकर जो मकान की दीवार है, एक सैलून की दुकान गिर गई और इस मलबे में चार लोग दब गए थे। चारों लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद, तकरीबन एक घंटे की मशक्कत दमकल विभाग द्वारा की गई, चारों लोगों को मलबे से निकाला गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तमाम तरीके के नियम लागू किए गए, ग्रेफ फोर लागू है, तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। बावजूद उसके शुरुआती जांच में पूरे मामले को लेकर ये बात भी संज्ञान में आई है कि अवैध रूप से बनाई जा रही थी, इसको बनाने को लेकर किसी तरीके की एनओसी नहीं ली गई थी, नक्शा पास नहीं। जो दो लोग हिरासत में लिए गए हैं अमित, उनके उनको वो कौन बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये जिस प्लॉट के मालिक हैं, जो निर्माण कार्य करा रहे थे, उसी वो नहीं दोनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई थी कि इन लोगों ने लापरवाही बरती है और लापरवाही बरतने के चलते ही ये दीवार गिरने का हादसा हुआ है। जिस तरीके से अवैध निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था, उसी के चलते पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ संबंधित विभाग प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो प्राधिकरण भी इस बात की जांच में जुटा है कि आखिर इस निर्माण करने के पीछे जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनकी साठगांठ तो नहीं थी। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो उन पर भी आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए पिछले कई दिनों से, पोल्यूशन का लेवल बढ़ने पर निर्माण कार्य और तमाम गतिविधियों पर रोक है। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही। तो अवैध तौर पर यह निर्माण किया जा रहा था, जिसमें एक की मौत और लोग घायल है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब दिल्ली